हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू त्रिपद अकेडमी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MET 2023 के रिगार्डिंग, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे। बच्चों, मणिपाल यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, काफी सारे बच्चे उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है अगर आपके बजट में है तो। ठीक है बच्चों, सो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात कर रहे होंगे कि मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट किस तरीके से होता है, कौन कौन से बच्चे इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, पेपर पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या है, कौन कौन से कैंपसेस है, एग्जामिनेशन डेट क्या है। डिटेल वीडियो है बच्चों, ये इस वीडियो को देखने के बाद जाकर के आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, सो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग बात कर लेते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक तरफ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट MET 2023 के नाम से इसे जाना जाता है। कंप्लीट डिटेल के बारे में हम लोग जान रहे होंगे कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम लोग बेसिक डिटेल के बारे में जानेंगे, ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, फिर बात करेंगे बच्चों एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग, एग्जाम डेट, सिलेबस, कट ऑफ, फीस, एडमिशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करोगे, कंप्लीट बातें करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक डिटेल के बारे में। लेकिन उस सभी से पहले बच्चों, आप में से जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि बच्चों आपके जर्नी में चैनल काफी हेल्पफुल होने वाला है। अभी से लेकर के आप लोगों के फर्स्ट जॉब कोर्स तक के सारे कंटेंट यहां पे देखने को मिलेगा। चाहे बच्चों आप लोगों के एग्जामिनेशन के स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग बात कर लो, या फिर बच्चों एग्जामिनेशन होने के बाद जाकर के आप लोगों को एडमिशन के लिए काउंसलिंग के प्रोसेस से गुजरना होता है, तो काउंसलिंग के प्रोसेस में भी ये चैनल हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, लास्ट 4 to 5 ईयर से बच्चों आप लोगों के सीनियर के हेल्प कर रहे थे, नाउ दिस इज योर टर्न। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात कर लेते हैं बेसिक डिटेल के बारे में। अब देखो बच्चों, अगर हम लोग बेसिक डिटेल की बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि MET का जो एग्जाम है हमारा, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट जो है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ बीटेक कोर्सेज के लिए नहीं, अलग अलग कोर्सेज के लिए भी लिया जाता है। ठीक है ना बच्चों, अब देखो इनके जो हमारे कैंपसेस है वो 7 कैंपसेस हैं, लेकिन हम लोग इस वीडियो में बीटेक कोर्सेज की बात कर रहे हैं। बच्चों, बीटेक कोर्सेज जो हमारे वो 4 कैंपसेस प्रोवाइड करते हैं। एक तो इनका मेन यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है ना, MIT मणिपाल हो गया। दूसरा बेंगलुरु का कैंपस है इनका, MIT बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है। तीसरा बच्चों सिक्किम में है, SMIT सिक्किम के नाम से जाना जाता है। एंड द फोर्थ वन इज द MU मणिपाल यूनिवर्सिटी, जो कि बच्चों आप लोगों को जयपुर में देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, ये 4 कैंपसेस हैं जो कि बीटेक कोर्सेज ऑफर करते हैं। बीटेक में बच्चों आप लोगों को सारे ब्रांचेस देखने को मिल जाएगा, चाहे CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, हर एक कोर्स आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट तो समझ में आ ही गया है। बाकी यही है बच्चों, इस एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो 1 साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है। ठीक है ना, देखो बच्चों यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप दोनों अटेम्प्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अगर आप लोग दोनों अटेम्प्ट दोगे तो दोनों अटेम्प्ट में से जिसमें आप लोगों के बेस्ट मार्क्स होंगे उसको सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से होता है। बाकी बच्चों एग्जाम डेट के टाइम पे हम लोग और बातें करेंगे कि किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होता है, कैसे क्या डेट है, सारी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग कि आप में से कौन कौन से स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। अब देखो बच्चों, इन्होंने जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो डिमांड किया है वो ये किया है कि आप लोग क्लास 12 पास आउट होने चाहिए, आइदर आप लोग पास आउट होने चाहिए या फिर जाकर आप लोग अपीयरिंग स्टूडेंट हो, इट मीन आप लोग बोर्ड का एग्जाम जो है वो 2023 में दे रहे हो। ठीक है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट की बात करेंगे तो मैंडेटरी सब्जेक्ट आप लोगों के पास फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश होना चाहिए। बाकी एडिशनल सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है ना, परसेंटेज की बात करेंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स की जो इन्होंने डिमांड किया है वो ये किया है कि 50% बच्चों आप लोगों के एटलीस्ट होने चाहिए। एग्रीगेट की बच्चों इन्होंने बात किया, इट मीन जो है वो ओवरऑल परसेंटेज की बात कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, अब जाके कि आप में से ऐसे स्टूडेंट जो कि 2023 में पास आउट होंगे वो एज ए अपीयरिंग स्टूडेंट जो है वो एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। मींस बच्चों आप लोग जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे वहां पे बच्चों आप लोगों को अपीयरिंग स्टूडेंट डाल देना है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों और किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इन्होंने डिमांड नहीं किया। ठीक है, सो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी कवर कर लिया है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो बच्चों, अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो इस एग्जाम में आप लोगों के 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स है हमारा, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और इंग्लिश भी है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों 2 सेक्शन में होता है हमारा, एक MCQ होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, और दूसरा बच्चों न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स से बच्चों MCQ जो है वो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिजिक्स से 10, केमिस्ट्री से 10 और इंग्लिश से भी 10। ठीक है ना, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पे बच्चों मैथमेटिक्स से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स से भी 5, केमिस्ट्री से भी 5 और इंग्लिश से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन इन द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, फिजिक्स से 15, केमिस्ट्री से 5, बच्चों इंग्लिश सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, मार्किंग स्कीम की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो बच्चों MCQ में बच्चों आप लोगों की जो है वो +4 मार्क्स दिया जाता है। ठीक है ना, और साथ में बच्चों MCQ में आप लोगों की जो है नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, यानी कि हर एक करेक्ट आंसर पे आप लोगों को +4 मार्क्स दिया जाएगा और साथ में -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है बच्चों, वही बच्चों न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में क्या है हमारा, तो यही है कि हर एक सही आंसर पे आप लोगों को +4 मार्क्स
दिए जाएंगे, लेकिन इसमें कोई सा भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जो है वो दोनों में ही आप लोगों को प्लस 4 के मार्क्स देखने को मिल जाता है, यानी कि 20 क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, इट मींस 80 मार्क्स का आप लोगों का मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 60 मार्क्स आप लोगों को फिजिक्स देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री बच्चों आप लोगों के 60 मार्क्स देखने को मिलेगा, और इंग्लिश जो है आप लोगों के 40 मार्क्स का देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे, सो 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करेंगे, सो 240 मार्क्स का ये पेपर होता है। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया मार्किंग स्कीम क्या है। मार्किंग स्कीम हमारा एमसीक्यू में बच्चों करेक्ट आंसर पे प्लस 4 मार्क्स मिलेगा, और बच्चों रॉन्ग आंसर पे -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, हर एक सही आंसर करेक्ट आंसर पे प्लस 4 मार्क्स दिया जाएगा, और यहाँ पे बच्चों कोई सा भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। ये पॉइंट भी समझ में आ गया है। अब देखो टाइम ड्यूरेशन बच्चों 2 आवर्स का होता है, तो बच्चों 2 आवर्स का टाइम यानी कि 120 मिनट में जो है 60 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं, 240 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है बच्चों। सो होप सो आप लोगों का ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा, एग्जाम पैटर्न भी आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं इस ईयर का जो इंपॉर्टेंट डेट क्या है, ठीक है ना, एग्जाम डेट क्या है, कैसे क्या एग्जाम फॉर्म फिलअप किया जाएगा, सारी बातें को हम लोग कवर करें। अब देखो बच्चों 2023 के लिए जो इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट जो रिलीज किया है वो ये किया है कि इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इनका जो स्टार्टिंग डेट था वो 5th ऑफ अक्टूबर से ही इनका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, मींस आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। लास्ट डेट जो बच्चों ने दिया है वो आप लोगों को 15th ऑफ मार्च तक का दिया हुआ है, ठीक है ना। सो 15 मार्च 2023 तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, मींस आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। उसके बाद जाकर के ऑनलाइन टेस्ट बुकिंग होता है, जिसका इन्होंने शेड्यूल रिलीज नहीं किया है, बोल रहे हैं कि टू बी नोटिफाई लेटर, ठीक है, बाद में बताएंगे। साथ में बच्चों इन्होंने एग्जाम डेट भी रिलीज नहीं किया है कब एग्जाम होगा, ठीक है ना। मैंने बच्चों आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया है कि इसके हमारे एमईटी के जो है हमारे 2 अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है ना। आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग दोनों अटेम्प्ट देते हो या नहीं देते हो। अगर आप लोग दोनों अटेम्प्ट देते हो, जो कि देना चाहिए, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को दोनों अटेम्प्ट देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चों यही है कि दोनों अटेम्प्ट दोगे, दोनों में से जिसमें आप लोगों के बेस्ट मार्क्स आएगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा, तो ऑब्वियसली काफी बेटर। अब देखो बच्चों एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग वीडियो डाला गया है चैनल पर, ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देख लेना, अच्छे से आप लोगों को बताया गया है, स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो को देखना, समझना और रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है, ध्यान से रजिस्ट्रेशन कर लेना। एग्जामिनेशन डेट उन्होंने रिलीज नहीं किया है, बट बच्चों आप लोग का जो एग्जामिनेशन होगा वो अप्रैल के मंथ में होगा, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों जनवरी में तो आप लोग का जेई मेंस है, ठीक है, उसके बाद जाके फरवरी और मार्च में आप लोग का बोर्ड है, अप्रैल में भी जेई मेंस है, ठीक है, 6 से लेकर 12 अप्रैल के बीच में। तो बेसिकली आप लोग का जो एग्जामिनेशन होगा एमईटी का वो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो बच्चों आप लोग का होगा वो अप्रैल के लास्ट वीक में, या फिर हो सकता है कि मई के फर्स्ट वीक में करवा दे, ठीक है, और सेकंड टर्म जो होगा वो आइदर आप लोग का मई के लास्ट वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है। बाकी बच्चों जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, बस आप लोगों को इतना ही काम करना है, ठीक है। सो बच्चों एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे आप लोग, ठीक है, वीडियो को देख के कर ही लोगे। अब होता क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोगों को जो फी पे करना होता है वो 2 स्टेप में है। पहला स्टेप ये है कि आप लोगों को एप्लीकेशन फी पे करना होगा, 600 रुपीज का है, ठीक है ना, ये फी पेमेंट करोगे। इसके बाद बच्चों आप लोगों को एंट्रेंस टेस्ट फी जो है वो 1400 रुपीज का भी पेमेंट करना पड़ेगा। इट मीन्स बच्चों की अगर आप लोग एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आप लोगों को 2000 रुपीज की पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पे एक और पॉइंट भी है कि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही अटेम्प्ट देते हो उस केस में 600 + 1400 यानी कि 2000 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन बच्चों अगर आप लोग दोनों अटेम्प्ट देते हो उस केस में क्या होता है कि आप लोगों का एप्लीकेशन फी जो है 600 वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लगता है, ठीक है ना। सो बेसिकली बच्चों आप लोगों को उस केस में यानी कि दोनों अटेम्प्ट अगर दोगे उस केस में कितना फी पे करना पड़ेगा, तो 600 + 1400 रुपीज, ठीक है ना, +1400 रुपीज की और पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से है, तो काफी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। बाकी बच्चों ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ ही गया है, तो आप लोग क्या करोगे, अभी रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर लोगे यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लोगे। उसके बाद बच्चों जब एमईटी जो है अपना एग्जाम डेट रिलीज करेंगे उससे 15 डेज पहले आप लोगों को जो है वो स्लॉट बुक करने का टाइम दिया जाता है, ठीक है ना। अब स्लॉट में इस तरीके से होता है, आप लोगों का एग्जामिनेशन जो है वो सीबीटी होता है, ठीक है ना, ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि सेंटर पर जाकर आप लोगों को ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना होता है, जैसे आप लोग जेई मेंस का एग्जामिनेशन देते हो, ठीक है। सो 3 स्लॉट में एग्जामिनेशन होता है बच्चों। देखो स्लॉट 1 जो है हमारा वो आप लोगों को लॉगिन जो है वो करना होता है 8:40 AM पे, ठीक है ना। 8:40 पे बच्चों आप लोग लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद जाकर के आप लोगों का जो एग्जाम स्टार्ट होगा वो 9 AM से स्टार्ट होगा, यानी कि 20 मिनट बाद होगा, ठीक है। अब 2 घंटे का एग्जाम होता है, यानी कि 9 से लेकर 11 बजे तक का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से बच्चों आप लोगों का स्लॉट 2 जो है वो 12:10 PM पे स्टार्ट हो जाएगा, आफ्टरनून में 12:10 पे, ठीक है। 20 मिनट का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, 20 मिनट बाद आप लोगों का एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, यानी कि 12:30 PM से आप लोगों का एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, 2 घंटे का होगा, यानी कि 2:30 PM तक आप लोगों का एग्जामिनेशन चलेगा, ठीक है। स्लॉट 3 बच्चों आप लोगों का जो है वो 3:40 PM पे स्टार्ट हो जाएगा, लॉगिन करना होगा, 20 मिनट बाद आप लोगों का एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, यानी कि बच्चों आप लोगों का एग्जामिनेशन जो है वो 4 PM पे स्टार्ट होगा, 2 घंटे का पेपर चलेगा, यानी कि 4 PM से लेकर 6 PM तक का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ये जो स्लॉट बुक करना है ये आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन बच्चों यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का यहाँ पे चलता है, ठीक है। यानी कि ये है कि आप में से ऐसे स्टूडेंट
जो कि पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उनको पहले मौका दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यही है कि जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो ऐसे स्टूडेंट जो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे अगर मान लो वो स्लॉट वन बुक कर लेते हैं तो स्लॉट वन अगर फुल हो जाता है तो उस केस में आप लोग स्लॉट वन जो है सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए बच्चों जितनी जल्दी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लोगे उतना बेटर रहेगा, तो रजिस्ट्रेशन कर लो, वीडियो मिल जाएगा चैनल पर, ठीक है, कि किस तरीके से आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है उसे देख लो और रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। सो बच्चों इस तरीके से प्रोसेस है, मैंने आप लोगों को एग्जाम डेट के बारे में सारी बातें बता ही दिया है कि कब आप लोग एग्जामिनेशन हो सकता है, दोनों अटेम्प्ट होगा, ठीक है ना, सारा पॉइंट हमने कवर कर लिया, ठीक है बच्चों। अब देखो अगर हम लोग सिलेबस की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए जो सिलेबस है बच्चों वो हमारे जेईई मेंस का ही सिलेबस है, ठीक है। बाकी बच्चों आप लोगों के लिए एक सजेशन जो देना चाहेंगे वो यही देना चाहेंगे कि सिंपल सा बच्चों आप लोगों को जो है वो एनसीईआरटी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, साथ में बच्चों इस एग्जामिनेशन के लिए आप लोग जो है वो प्रीवियस ईयर के जेईई मेंस का अगर पेपर लगा लेते हो 5 साल के, दैट्स सफिशिएंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो बाकी बच्चों आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस के 5 ईयर का पेपर लगा लो, दैट्स सफिशिएंट, ठीक है बच्चों। बाकी इंग्लिश के लिए अलग सिलेबस है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखो बच्चों इंग्लिश का जो सिलेबस दे रखा है वो ये दे रखा है, इसमें आप लोगों के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सो टेंस हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउंस एंड डिटरमाइनर्स हो गए, लिंकर्स हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, यूसेज इन इंग्लिश हो गया, सिनोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इन सारे पॉइंट्स से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन सारे टॉपिक से, ठीक है। तो सिंपल यही है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए जेईई मेंस का 5 ईयर के पेपर लगा लेना, ठीक है। इंग्लिश से तो बच्चों आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यू, तो इसके लिए आप लोग जो है वो एमईटी का यानी कि मणिपाल यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर का पेपर लगा लोगे 10 से 20, ठीक है, उतना आप लोगों के लिए काफी हो जाएगा। सो बच्चों यहां तक तो सारे पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों अगर हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया है कि मणिपाल का वैसे तो 7 कैंपस है, लेकिन बच्चों बीटेक कोर्सेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 कैंपस ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। उसमें से बच्चों एक हमारा मेन कैंपस है, ठीक है, मणिपाल का है, ठीक है, दूसरा बच्चों बेंगलुरु का है, तीसरा हमारा सिक्किम का है, एमआईटी सिक्किम के नाम से जाना जाता है, और फोर्थ जो बच्चों वो है हमारा एमयू मणिपाल यूनिवर्सिटी जो कि आप लोगों को जयपुर में देखने को मिल जाता है, ठीक है। देखो बच्चों मोस्टली स्टूडेंट को जो टारगेट होता है वो हमारा मेन कैंपस ही होता है, और सही भी है। देखो आप लोग यही टारगेट करके चलो कि मेन कैंपस में ही आप लोगों को लेना है, दैट्स द बेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों आप लोग बेंगलुरु तक जा सकते हो, लेकिन उसके बाद जो हमारा सिक्किम और जयपुर वाला कैंपस है उतना बेटर नहीं है, उससे बेटर ऑप्शन आप लोगों के पास देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट समझ में आया गया। फीस की बात अगर हम लोग करेंगे तो देखो बच्चों 16 से लेकर 21 लाख के आसपास आप लोगों का फीस लग जाता है, ठीक है। टोटल फीस की मैं बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कोर्सेज की बात कर रहा हूँ 4 साल का। अब देखो बच्चों अगर आप लोग जो है वो 20-21 लाख रुपए जो इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ का आरओआई भी बेटर होना चाहिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यही है कि एक बार को अगर मेन कैंपस आप लोगों को मिल रहा है तो ले सकते हो, उसके बाद आप लोग जो है बेंगलुरु तक जा सकते हो, लेकिन सिक्किम और जयपुर को लेना बेटर नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो फीस हमने बात कर लिया है। कट ऑफ का यही है बच्चों कि अगर आप लोग 50% भी स्कोर कर लेते हो, यानी कि बच्चों 240 में से अगर आप लोगों के 120 मार्क्स भी आ जाता है, तब भी बच्चों आप लोगों का रैंक जो है वो 1000 के आसपास बन जाएगा, और 1000 रैंक तक में बच्चों आप लोगों को एमईटी का जो मेन कैंपस है मणिपाल वाला हमारा, वहां पे बच्चों आप लोगों को सीएससी ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बच्चों आप लोगों के कितने भी मार्क्स आएगा ना, अगर यहाँ पे आप लोगों के 20-30 मार्क्स भी आएगा तब भी आप लोगों को कॉलेज मिल ही जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा, लेकिन वो आप लोगों के लिए वर्थ इट नहीं होगा, क्योंकि उससे बेटर ऑप्शन आप लोगों के पास होगा, वीआईटी है, एसआरएम है, बिट्स प्लानिंग है, काफी बेटर ऑप्शन होगा, है ना। तो बच्चों ट्राई करो कि एटलीस्ट आप लोगों के 50% मार्क्स आ जाए, यानी कि 120 के आसपास मार्क्स आ जाए, तो उस केस में आप लोगों को मेन कैंपस में सीएससी ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है। बाकी और डिटेल में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो बच्चों कट ऑफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो एमआईटी मणिपाल में सीएससी ब्रांच के लिए जो है 1075 रैंक तक में सीएससी ब्रांच मिला हुआ है, ठीक है ना। ये हम लोग सीएससी कोड की बात कर रहे हैं। बाकी बच्चों इसके अलावा भी काफी सारे स्पेशलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। सो बच्चों अगर उसमें से हम लोग एक स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, उसका जो कट ऑफ जा रखा है वो 1633 तक जा रखा है, ठीक है। वहीं पे बच्चों अगर आप लोग बेंगलुरु की सीएससी ब्रांच की बात करोगे मैंगलोर में, तो वहां देखो वहां पे आप लोगों को 6155 रैंक तक में भी मिल रहा था, ठीक है। सो देख पा रहे हो कि कितना ज्यादा डिफरेंस है ना। और बाकी बच्चों जयपुर और सिक्किम की बात करेंगे तो जयपुर में बच्चों आप लोग जो है वो 11264 रैंक तक में भी मिल रहा था। वहीं बच्चों सिक्किम की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पे 34765 रैंक तक में भी सीएससी ब्रांच मिल रहा था, ठीक है। सो इतने रैंक में अगर सीएससी ब्रांच मिल रहा है तो बाकी ब्रांचेस तो ऑब्वियसली मिल ही जाएगा, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आप में से जितने भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन लोगे सबका हो ही जाएगा, बट बात ये है दिमाग में ये बनाओ कि आप लोग जितने भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो क्या उसका आरओआई बेटर है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बेटर है। अब वही है कि आप लोग 20-21 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो और बच्चों आप लोगों बदले में वहां का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 3-5 लाख है, तो वो बेटर नहीं रहता, बाकी स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है। आप लोग के अगर बजट में है तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है, बट एटलीस्ट अभी जो है वो टारगेट तो बेटर करो तो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, हम लोगों ने सारे पॉइंट कवर कर लिया है, बस यही है कि आप लोगों को जो है कुछ खास नहीं करना है, जेईई मेंस के लिए टारगेट करो, ठीक है, उसका जो है वो लास्ट 5 ईयर का पीवाईक्यू कर लोगे, दैट्स सफिशिएंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है बच्चों। सो होप सो आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बाकी बच्चों चैनल पर आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा कि आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ध्यान से फिलअप कर लो, उस वीडियो को देख लो, हर एक पॉइंट वहां पे समझाया गया, ठीक है ना। कोई और डाउट है कि मैं उसे बता देना, चैनल फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। अगर बच्चों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अभी तक देख रहे हो तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि कितना यूजफुल
भी कंटेंट इस चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। काउंसलिंग के प्रोसेस में भी ये चैनल हेल्प करेगा, आप लोगों के सीनियर के हेल्प करते हुए आए हुए हैं। नाउ दिस इज योर टर्न, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बच्चों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर भी काफ़ी सारे पीआर की हम लोग शेयर करते रहते हैं, ठीक है बच्चों। बाकी बच्चों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिलेगा, वो मिलेगा आप लोगों को एमईटी के ऑफिशियल वेबसाइट का, वहाँ पर आकर के आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बाकी बच्चों अगर आप लोग इसका सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को भी आप लोग डिटेल में जानना चाहते हो तो भी आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हो, ठीक है। बाकी बच्चों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स शेयर करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय।